हाय फ्रेंड, आई एम अख्तर रजा। आई एम ए स्क्रिप्ट राइटर। मैं एक लेखक हूँ, फिल्मों में स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ। पिछले 10-12 साल से बॉलीवुड में कार्यरत हूँ। दोस्तों, लेखन कार्य के साथ साथ मुझे नए नए स्थानों पर जाना पसंद है, नए नए पैलेस पर घूमना पसंद है, मुझे नए नए लोगों से मिलना जुलना बेहद पसंद है। दोस्तों, गाँव की जीवन शैली से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, खासकर गांव के ये हरे भरे खेत और हरियाली तो मानो मेरी रूह में एक नई उमंग जगाते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं अपने गांव में आया हुआ हूं, तो सोचा क्यों ना एक ब्लॉग चैनल ही बना लिया जाए, ताकि आप सब लोगों से रूबरू होने का एक सुनहरा मौका मैं भी हासिल कर सकूं। ब्लॉग के जरिए कुछ मैं अपने मन की बात कहूँ, कुछ आप अपने मन की बात कहें, और आपका हमारा ये रिश्ता दूर तक जाए। दोस्तों, महानगर और गांव की जीवन शैली से तो आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे ही। जहां एक तरफ महानगरों में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण की भरमार है, वहीं हमारे छोटे गांव कस्बों में जिंदगी में सुकून बेशुमार है। गांव में हमें 24 घंटे साफ सुथरी स्वच्छ हवा प्राप्त होती है, माहौल एकदम ध्वनि रहित शांत होता है। बिल्कुल प्राकृतिक हरियाली से घिरी इस झील की तरह देखिए, दूर तक फैली हुई झील मंद मंद बहती हवा के झोंके मानो दिलों में एक गुदगुदी सी पैदा करते हैं। ये मंद मंद बहती हवा दिल को मेरे लुभाती है, धीरे धीरे बदन को छूकर बदन मेरा जलाती है। अक्सर रो पड़ता हूँ मैं जब मुझे अपने गांव की याद सताती है, जब मुझे अपने गांव की याद आ सकती है। दोस्तों, ये मेरे गांव का शहीद रंजीत सिंह अमृत सरोवर है, जिसे शहीद रंजीत सिंह की याद में स्थापित किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि शहीद रंजीत सिंह मेरे क्लास फेलो रहे हैं, जिनका सपना बचपन से ही एक सैनिक बनने का था। ईश्वर ने उनकी ये इच्छा तो पूरी की, लेकिन वो मात्र 2 वर्ष ही अपनी धरती माँ की सेवा कर पाए। मात्र 21 वर्ष की आयु में ही कश्मीर के द्रास सेक्टर में एक आतंकी मुठभेड़ में 5 आतंकियों को ढेर कर चुके शहीद रंजीत सिंह स्वयं भी शहीद हो गए। उन्हीं की याद में इस सरोवर का नाम शहीद रंजीत सिंह अमृत सरोवर रखा गया है। आज इस वीडियो के माध्यम से अपनी भावभीनी आंखों से एक बार फिर से मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों, आज के फर्स्ट ब्लॉग में इतना ही। गांव देहात और कुछ हिस्टोरिकल प्लेस से जुड़ी बेहद रोचक जानकारी लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर रहूंगा। बस आप मुझे अपने प्यार से यूं ही नवाजते रहिए। अगर आपके मन में मेरे लिए कोई भी किसी तरह का सवाल है, तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। आई प्रोमिस यू, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। दोस्तों, मेरे फर्स्ट ब्लॉग को वायरल कराने की चाबी आपके हाथ में है।
और वो चाबी है आपकी फिंगर। प्लीज अपनी फिंगर का यूज कर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ लेते हैं विदा, इस उम्मीद के साथ ही अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, गुड बाय, जय हिंद।